हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो में। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फिर भी जरा सा आपको हम शॉर्ट बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बिजनेस में प्रयोग होने वाले मूलभूत शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग बिजनेस में होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उस शब्द का मतलब क्या है। तो आज हम लोग ऐसे शब्द पे बात करने वाले हैं जिनका प्रयोग बिजनेस में किया जाता है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए। इस टॉपिक से पहले जो वीडियो बनाए गए हैं अकाउंट से संबंधित, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक वर्ड्स इन अकाउंटिंग, अकाउंट में आने वाले मूलभूत शब्द। ऐसे शब्दों का प्रयोग आज हम करेंगे जिनका प्रयोग अकाउंट में बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हमारा शब्द आता है बिजनेस। ये बिजनेस की बिजनेस क्या होता है, अक्सर लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं लेकिन उन्हें बिजनेस की परिभाषा नहीं पता होती है कि बिजनेस है क्या। तो हम जानेंगे बिजनेस क्या है। तो बताया गया है वह कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है बिजनेस कहलाता है। यानी कि यदि हम किसी भी ऐसे कार्य को करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जैसे अगर हम एक ऑटो चला रहे हैं, हमारा उद्देश्य है लाभ कमाना। हम यहाँ पे आपको पढ़ाना चाह रहे हैं जिसमें हमारा उद्देश्य है लाभ कमाना। अगर हम चाहते हैं आपको कोई सर्विस देना, हम चाहते हैं आपको LIC बेचना, हम चाहते हैं आपको किसी भी ऐसे कार्य को जिसका उद्देश्य जो है वह है लाभ कमाना, तो उसे हम लोग बोलेंगे बिजनेस। यानी इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। तो वह कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है बिजनेस कहलाता है। अगला हेडिंग हमारा है कैपिटल। कैपिटल को हम लोग बोलते हैं पूंजी। किसी व्यवसाय में व्यवसाय का स्वामी, स्वामी मतलब होता है ओनर। तो किसी भी बिजनेस का जो ओनर होता है, जब वो बिजनेस को शुरू करता है तो उसमें जो भी कैश, एसेट्स या गुड्स लगाता है वो उसकी पूंजी कहलाती है। तो अगर हम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और हमने कैलकुलेट किया कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें 2 लाख रुपए चाहिए, इसमें से हमें कैश 1 लाख लगाना है, 50,000 का एसेट्स लगाना है और 50,000 का गुड्स परचेज करना है, तो इस हिसाब से हमारा कैपिटल जो हो गया वो 2 लाख हो गया, जिसमें कैश हमारा 1 लाख है, 50,000 का एसेट्स है और 50,000 का हमारा गुड्स है। ये एसेट्स और गुड्स क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कैपिटल, जब भी बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने के लिए जो भी पैसे हम लगाते हैं वो हमारा कैपिटल यानी कि पूंजी कहलाता है। अगला हेडिंग है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स को हम लोग बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति ऐसे रिसोर्स जो बिजनेस में प्रॉफिट यानी कि लाभ जनरेट करने में सहायता करता है, लाभ जनरेट करने में सहायता करता है, एसेट्स कहलाता है। जैसे अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए हमें इसमें एयर कंडीशन लगाना चाहिए, हमें इसमें इन्वर्टर लगाना चाहिए, हमें इसमें कंप्यूटर और प्रिंटर लगाना चाहिए, तो ये जो हमारा कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फर्नीचर हो गया या ऐसा कुछ भी जो हम उस बिजनेस में लगा रहे हैं जो कि लाभ जनरेट करने में सहायता करेगा, हमारे हमारे बिजनेस में लाभ जनरेट करने में सहायता करेगा, तो वो सब हमारा एसेट्स कहलाता है। यानी ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस में प्रॉफिट यानी कि लाभ जनरेट करने में सहायता करता है एसेट्स कहलाता है। एसेट्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हमें जानना है एसेट्स क्या होता है। तो ऐसे रिसोर्स जो बिजनेस में प्रॉफिट यानी कि लाभ जनरेट करने में सहायता करता है उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, एयर कंडीशन, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब के सब आपके एसेट्स में आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं दायित्व या कर्तव्य। दायित्व या कर्तव्य, अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उस बिजनेस में हमें किसी सप्लायर से मान लीजिए एक सप्लायर, इसका नाम है अमित नाम है, तो अमित सप्लायर से हमें उधारी पर माल खरीदना है,
हम अमित के पास जाते हैं और हमने उससे उधारी पर 10,000 रुपये का माल खरीदा। उधारी पर हमने उससे 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो 10,000 रुपये हमारा लायबिलिटी हो गया। यानी कि ये पैसा जो हमने अमित से उधारी पर लिया है, पैसा नहीं, जो गुड्स लिया है अमित से, जो हमने गुड्स लिया है 10,000 का उधारी पर, वो मुझे एक समय के अंदर पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। या हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो जो भी लोन का अमाउंट है वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी, हमारा दायित्व होगा कि उसे हमें समय के अंदर वो पैसा देना होता है। तो लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व या कर्तव्य जो हमें एक समय के अंदर सप्लायर को या बैंक को हमें देना होता है। अगला हेडिंग है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल। जो हमारा एक्चुअल सेल होता है उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। जैसे अगर हम 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीद लाते हैं और उसे हम 15 में सेल करते हैं, हम 10 रुपये में कोई भी प्रोडक्ट खरीद लाते हैं और हम 15 में उसे सेल करते हैं, तो जो ये 15 है ये हमारा 15 रेवेन्यू कहलाएगा। 10 में खरीदते हैं और हम 15 में सेल करते हैं, तो 15 जो हमारा है ये रेवेन्यू है। तो एक्चुअल सेल को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, इसी प्रकार हमें जानना है प्रॉफिट क्या होता है या लॉस क्या होता है। तो अगर रेवेन्यू में से कास्ट को घटाया जाए, रेवेन्यू में से कास्ट को घटाया जाए तो प्रॉफिट आता है, और इसी प्रकार रेवेन्यू में से कास्ट को घटाया जाए तो हमारा लॉस आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारा रेवेन्यू 15 है और हमारा कास्ट जो है वो 10 है, तो अगर हम 15-10 करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आता है 5 रुपये। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट को हमने 10 में खरीदा, किसी प्रोडक्ट को हमने 10 रुपये में परचेज किया, खरीदा, और किसी कारणवश मुझे उसे 8 रुपये में ही बेचना पड़ रहा है, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो 8 है। जो हमारा रेवेन्यू है वो कितना है? 8 है, 8 है, और हमारा जो परचेज का कास्ट है वो 10 है। तो जो हम रेवेन्यू माइनस कास्ट करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, और -2 जो है ये दिखा रहा है कि आपका 2 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी कि अगर हमारा रेवेन्यू जो है वो कास्ट से कम है तो हमको लॉस होगा, अगर हमारा रेवेन्यू जो है वो कास्ट से अधिक है तो हमको प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं एक्सपेंस की तरफ कि एक्सपेंस क्या होता है। तो एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं खर्च। कोई बिजनेसमैन रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्च करता है वो एक्सपेंस कहलाता है। यानी कि अगर हम 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट है उसे हम 20 में बेचना चाहते हैं और उसे 20 में बिकवाने के लिए हमें 2 रुपये कमीशन देने पड़ रहा है, किसी प्रोडक्ट को 20 में बिकवाने के लिए 2 रुपये कमीशन देना पड़ रहा है, तो जो हमारा कमीशन हो गया वो एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट जिसको हमें अधिक रेवेन्यू कमाने के लिए उसमें खर्च करना पड़ रहा है तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला हेडिंग है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग को हम लोग बोलते हैं, ऐसे छोटे बच्चे बोलते हैं कला, आर्ट, तो ये ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग बिजनेस में आने वाला, अकाउंट में आने वाला एक शब्द है। इसमें कहा गया है जब किसी बिजनेस का ओनर, ओनर मतलब मालिक, अपने व्यवसाय में से कैश, गुड्स इत्यादि को अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए निकालता है, कैश या गुड्स अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए निकालता है, तो उसे हम लोग ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत लिखते हैं। यानी अगर हम किसी बिजनेस के ओनर हैं और उस बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए हम कुछ गुड्स या कैश निकालते हैं तो उसको ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत लिखा जाएगा। अगला हेडिंग है डेप्टर। डेप्टर को हम लोग बोलते हैं देनदार। वह व्यक्ति जिसे उधारी पर गुड्स सेल किया जाता है डेप्टर कहलाता है। यानी कि अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं और हम किसी को उधारी पर माल सेल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेप्टर, देनदार। जैसे कस्टमर, जो हमारा कस्टमर होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेप्टर। ऐसे ही क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार। वह व्यक्ति जिससे उधारी पर गुड्स परचेज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं
क्रिएटर बोलते हैं, जैसे हमारा सप्लायर। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सप्लायर और कस्टमर का होना जरूरी होता है। तो जो हमारे सप्लायर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लेनदार, और जो हमारे कस्टमर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं देनदार। तो इस तरह से कस्टमर, सप्लायर, डेप्टर और क्रेटर्स। तो डेप्टर मीन्स कस्टमर, क्रेटर मीन्स सप्लायर। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।